आज के चौपा जिले में पीजीएस वितरण प्रणाली में मुनाफाखोरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित कर दी है, लेकिन गांव गांव घूम रही टीम जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। यही वजह है कि चीजों को ज्यादा दामों पर बेचने के बाद भी कई दुकानदार बाज नहीं आ रहे। मौके का जायजा लिया सहयोगी रवि गोयल ने। जिले में चल रही पीडीएस वितरण प्रणाली में मुनाफाखोरी का काम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और राज्य शासन जहां कोरोना संकट काल में लोगों की राहत के लिए 2 माह का मुफ्त चावल वितरण करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, वहीं दूसरी ओर उचित मूल्य की दुकानों में शक्कर और मट्टी तेल पर तय मूल्य से अधिक में जो है सामान बेचा जा रहा है। 10 रुपया शक्कर लगाई से, 40 रुपया माटी तेल लगाई से। हम कहा जान वो अलहा आदमी का बाबा चश्मे वहाँ ले रेट बढ़े है तो जो बढ़े है कहा से दे से तो हम लाना जा थन अब जब तक पैसा दे कहा से तो घेर के खट ले जाए पढ़े गुने रहन तो हम कछु जान थे। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अधिकारियों ने छोटी छोटी जांच टीम गठित की है और गांव गांव जाकर जो है जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसी ही एक जांच के दौरान जब हम ग्राम पंचायत जेठा पहुंचे, जहां के उचित मूल्य की दुकान सरपंच के द्वारा संचालित किया जाता है, जहां जांच अधिकारियों ने सरपंच को कुछ ग्रामीणों को बयान लेने के लिए बुलाया। क्या सरपंच अपने खिलाफ बोलने वालों को बयान लेने के लिए वहाँ बुलाएगा? इस पर जब हमने जांच अधिकारी से सवाल किया तो सुनिए क्या कहते हैं जांच अधिकारी। एक्चुअली हम लोग जांच कल का कर चुके हैं, आज जो एडीएम साहब है ना अपना जो एक और फार्मेट दिया था उसी फार्मेट में भर के लाने के लिए बोला था, तो इसलिए अपन लोग दोबारा आए हैं यहाँ। ऐसा कुछ तो नहीं पाया गया, हम लोग 5 हितग्राहियों से पूछताछ किए हैं तो रेट के बारे में ऐसे अपन को कुछ शिकायत नहीं मिली है। एक्चुअली ग्राही लोग को यही अपन पीडीएस दुकान में ही बुलाए थे, इसको तो अपन गाँव के सरपंच को ही बोले थे कि बुला कर लाइए ग्राही को। गांव का सरपंच जो होता है तो गांव का मुखिया होता है, लोग यहां जो सरपंच है और पंच के लोगों को ही बोले थे कि आप लोग 5 हितग्राही को बुलाकर लाइए। और जहां तक मैं सोचता हूं कि अगर गांव की जनता उनको सरपंच बनाया है तो जहां तक होगा तो अच्छा ही होगा, तभी बनाए होंगे। तो वहीं मिल रही लगातार शिकायतों के बाद एसडीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी तय मूल्य से अधिक में सामान बेचेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो शिकायत है वो ये कि जो पीडीएस दुकान है उस पे अधिक राशि में सामग्री प्रदाय की जा रही है, अगर किसी भी दुकानदार के द्वारा उसकी आदेश की अवहेलना की जाती है, लापरवाही बरती जाती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सुनने में आ रहा है कि ग्राम पंचायत जेठा के सरपंच के द्वारा पीड़ियों से लिए गए अतिरिक्त मूल्य को उनके घर घर जाकर वापस किया जा रहा है। अब ऐसे में आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में पीडीएस वितरण प्रणाली में किस प्रकार मुनाफाखोरी का काम चल रहा है। क्या अधिकारी इस पर लगाम लगा पाएंगे जब जांच अधिकारी ही स्वयं इस गलती पर पर्दा डालने पर लगे हुए हैं? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रवि गोयल, जांजगीर।